नमस्कार, मैं तवरम ठाकरे गोल्ड माइन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप सब अपनी अपनी जन्म कुंडली लेकर बैठे और जन्म कुंडली हाथ में रखकर ही ये वीडियोस देखें, क्योंकि आज हम जिस योग के बारे में चर्चा करने वाले बताने वाले, वो योग बहुत ही कम लोगों बताते हैं और इस योग के बारे में बहुत कम चर्चा भी होती है, लेकिन जानना जरूरी है। शापित योग। अब ये योग सुनकर तो आप चकित हो गए, हमने तो पहली बार सुना शापित योग। शापित योग होता है, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं और बहुत कुछ शुभ परिणाम भी है। लेकिन अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में है, सो आज आप जान लीजिए, कुंडली एक हाथ में कुंडली रखिए और ऐसा योग आपकी पत्रिका में है, तो इसकी रेमेडीज आप अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको जो नुकसान होएगा उससे आप बच सकते हैं। इससे इसका मतलब ये जो योग है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, ये योग अगर किसी की कुंडली में शुभ हो तो वो ऐसा इंसान राजा से कम नहीं होगा, लेकिन अशुभ हो तो कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी सुकून नहीं पा सकता। इसीलिए इस योग के बारे में बताना जायज समझा और आज हम आपको बता रहे हैं शापित योग। तो शापित योग को कैसे देखा जाता है, कुंडली के अंदर शापित योग को कैसे समझे? आपकी कुंडली निकालिए, कुंडली के 1 से 12 ग्रहों के अंदर, जन्म पत्रिका की 1 से 12 घरों के अंदर जिन घरों में शनि और राहु एक साथ विराजमान हैं, शनि और राहु एक साथ बैठे हैं, वो शापित योग है। तो ये शापित योग होता क्यों है? फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में आपसे कुछ ना कुछ ऐसा गलत कार्य अवश्य हुआ होगा और उस कार्य के वजह से सामने वाले ने आपको शापित किया होगा, शाप दिया होगा, तो उसी कारण ये शापित योग बनता है और इसका निवारण करना जरूरी है। अगर शुभ होगा और मैं जो रेमेडीज बताने वाला हूं वो रेमेडीज अगर आप कर लोगे तो और अच्छा इफेक्ट आएगा, अशुभ होगा तो भी अगर आप ये रेमेडीज अगर कर लोगे तो और आपको मदद होगी उसके हालात सुधारने में, मतलब इस योग का जो अशुभ परिणाम है उसको कम करने में। तो फ्रेंड, करना क्या है? सबसे पहले हमें राहु को कंट्रोल करना है, क्योंकि राहु हमेशा शनि की ऑर्डर लेता है। सो इसकी सबसे बड़ी जो जांच है, शनि को कभी दूषित मत करना, शनि को कभी कमजोर मत करना, यानी शराब मांस मच्छी से दूर रहे तो शनि खराब नहीं होगा। शनि खराब नहीं होगा तो राहु को कभी शनि बुरा करने की ऑर्डर नहीं देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप गुरु की मदद लीजिए, यानी सोने की चेन गले में धारण कर लीजिए। सेकंड, चांदी की चेन गले में धारण करिए। जैसे आप गुरु की और चंद्र की मदद मिल जाएगी तो दिमाग आपका ठंडा रहेगा, लड़ाई झगड़ों से दूर रहोगे, आपके काम बनने लग जाएंगे, जो आपके काम अटक जाते थे वो भी बनने लग जाएंगे। ये होगा दो चीजें, मेन शापित योग की मेन रेमेडीज, शनि राहु की दोनों की रेमेडीज। 6 मुखी रुद्राक्ष प्योर अच्छा होना चाहिए, बहुत सारे मिलते हैं, 6 मुखी रुद्राक्ष लेना है। लाल धागे के अंदर शुभ सोमवार के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन या फिर श्रावण मास के सोमवार में कभी, लेकिन सोमवार को ही धारण करना है। सोमवार के दिन सुबह 6 बजे से पहले इसे धारण करना है, सूर्योदय होने के बाद। आप देख लेना सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, 6:30 बजे रहा है, ये करना जरूरी है। तो सोमवार के दिन अगर आप सुबह 6 बजे 6 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे के अंदर धारण करते हैं तो फ्रेंड, 6 मुखी रुद्राक्ष जितने भी आपके अंदर निगेटिव, जो शापित योग की जो भी आपके अंदर एनर्जी है वो पूरी निकाल कर फेंकता है, और वो जो
एनर्जी निकलती है, जो पाप है, शाप है, वो निकलता है, वो आंखों से निकलता है। तो जब रुद्राक्ष पहनने के बाद एक 15 से 20 दिन आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके आंखों में रेत भरी हो, रेत निकल रही है, ऐसा फील होगा। तो उस टाइम पे आप ये मत सोचना कि जैसे ही मैंने 6 महीने का रुद्राक्ष पहना तो मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। ये आपका जो बुरा परिणाम है, प्रभाव है आपके ऊपर शापित योग का, वो निकालता है और वो हमेशा आंखों से ही निकलता है। जो भी बुरी चीजें है, बुरी निगेटिव एनर्जी है फ्रेंड्स, ध्यान रखना आंखों से ही निकलती है, दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसीलिए इस शापित योग को खंडित अवश्य कीजिए, नहीं तो ये अगले जन्म भी आपके साथ चलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर जो कुछ समझ में नहीं आया होगा या आप कमेंट में अवश्य ही पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो अगर हमारी हर एक इसी तरह की जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोज को शेयर कीजिए और हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब।